IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. Assalamualaikum. उम्मीद है बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारे पास ये है कि जो हमारे आउटसाइड स्टूडेंट है, ये जो हमारे ऑन कैंपस स्टूडेंट्स है, जो हमारे पास सेकेंड ईयर में इनरोल्ड थे, तो वो उन्होंने पेपर दिया था हमारे पास, तो उसमें MCQs की कुछ गलतियां थी, जो कुछ सवाल ऐसे थे जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहे थे। तो इस वीडियो को बनाने का हमारे पास मकसद ये है कि वो उन सवालों का सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाए, ताकि आप इसकी मदद से इसको आप सुकून से देख सको और फिर आप अपने इंटर में उन चीजों को बेहतर से बेहतर बना सको। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा सबसे पहला सवाल था, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपके पास ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सवाल है। ठीक है, तो अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालना है, टू पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसी तरह y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप अगर ऑब्जर्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर आएगा न्यू यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर टू में आपके पास लिखा हुआ है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज -2, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो बेटा याद रखिएगा, y इंटरसेप्ट दिया हुआ और स्लोप आपको दिया हुआ, तो फॉर्मूला आपको y y = mx + c होता है। y = क्या होता है? y = आपके पास क्या होता है बच्चों? y = mx + c होता है। ठीक है, तो y = क्या होता है? y = mx + c होता है। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, y = m की जगह पे क्या लिखोगे? -2x, और c की जगह पे क्या लिखोगे? c की जगह पे लिखोगे 3। इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2x + y - 3। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल में लिखा हुआ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज, ये क्या कहलाता है बेटा? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द नेसेसरी कंडीशन फॉर x टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू, तो इसके बेटा एक्सट्रीम वैल्यू कब आती है? जब f' जीरो के बराबर होता है, तो f' जीरो के बराबर था इसका आंसर। अ फंक्शन x इज मैक्सिमम एट x = a, मैक्सिमम कब होता है? जब f" a की वैल्यू क्या आती है? जब f" a की वैल्यू क्या आती है? जीरो से छोटी आती है। यह था इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या लिखा हुआ? उसके बाद लिखा हुआ है साइन 30 की वैल्यू बताइए, मतलब इंटीग्रेशन में। भाई साइन 30 का मतलब होता है कांस्टेंट, 1/2 बाहर चला जाएगा, dx की वैल्यू आएगी, तो 1/2x + c इसका आंसर होगा। 1/2x + c मौजूद ही नहीं है, 1/2x + c मौजूद नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। If two linear equations have the same coefficient of x and y, अगर x और y का coefficient same हो जाता है, तो ऐसी lines कौन सी lines कहलाती हैं? Parallel होता है, perpendicular, intersecting, congruent, तो parallel lines होती हैं। ठीक है, parallel lines होती हैं। ठीक है, आपके पास क्या लिखा हुआ है? fx बराबर है किसके? sin x के f'x, तो sin का derivative निकालेंगे, cos आएगा, अंदर वैसे ही आएगा sin x, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, तो हम जब फिल करते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन हो सकता है, cos sin x। ठीक है बेटा, जैसे ये सवाल है, इसके आंसर ऑप्शन क्या चल रहे हैं? इसके आंसर ऑप्शन चल रहे हैं कि आपको बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालो स्फीयर का विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो 4/3πr³, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4πr² / 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4πr² इसका आंसर सही था। ठीक है, चले आगे चलते हैं। इसमें अगर आपके पास इस तरह का कभी सवाल आता है ना बेटा, तो आप क्या करते हो? ln से e को कैंसिल कर देते हो, आप सॉल्व करते हो x dx को सॉल्व करते हो, तो इसका आंसर क्या आता है? x² / 2 + c, तो इसका आंसर था आपके पास x² / 2 + c। ठीक है, अब जैसे ये एक सवाल आया, ये बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज थे ना कि सर इसका जवाब क्या होगा, ये क्या चीज है? मतलब भाई सीधी बात है, ये देखो, अगर यहाँ पे x लिखा हुआ होता है, dx लिखा हुआ होता है, तो इसका आंसर आता है x + c। तो अगर आपके पास यहाँ पे d sin x लिखा हुआ होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? sin x + c, तो sin x + c इसका आंसर था। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद लिखा हुआ है एंटी
एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आपके पास क्या कहलाता है, इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, इंटीग्रल था। उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है द सर्किल हैज सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर होता है, तो सेंटर अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो उसकी वाई वाली टर्म नहीं होती, उसकी वाई वाली टर्म नहीं होती, तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, सबको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर द सर्किल्स हैविंग सेम सेंटर्स, इसका सेंटर सेम होगा। ठीक है, उसके बाद सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में आपके पास लिखा हुआ है के वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट है। ये कौन सी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। तो सर्किल इलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद लिखा हुआ है ए टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए टी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैराबोला की, पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं ये। आपके पास सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो स्क्वायर रूट के अंदर फोर एक्स फोर्टी नाइन प्लस एक्स माइनस सेवन, और इसके आंसर ऑप्शन ये मौजूद है आपके पास। लिमिट का सवाल है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं। अगर आप एक्स टेंस टू जीरो रखते हो तो जीरो अपॉन जीरो आ रहा है, पॉसिबल नहीं होता, इसको आसान बनाओ, वन अपॉन टू लिखो स्क्वायर रूट के अंदर 49 प्लस एक्स लिखो, और यहाँ पे माइनस सेवन का डेरिवेटिव जीरो लिखो। बेसिकली मैंने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया और नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया, एक्स का डेरिवेटिव वन। अब एक्स की जगह पे रख दोगे तो वन अपॉन 14 आ जाएगा, ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, आप डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हो लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज में। ठीक है, उसके बाद एक सवाल आपके पास आया एक्स टेंस टू थ्री, कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां थ्री पुट कर देना है, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां थ्री पुट कर देना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, एक सवाल आया, अगर सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि एफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ एक्स बराबर है अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के, तो एफ एक्स किसके बराबर होगा, तो बेसिकली एफ एक्स माइनस वन अपॉन माइनस एफ वन अपॉन एक्स के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आप यहाँ पे वन अपॉन एक्स लाके माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये वाला ऑप्शन दोबारा से बन जाएगा। सवाल में लिखा हुआ है e की पावर x, तो सीधी बात है अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर x वैसे ही लिखोगे, और उसके बाद क्या करोगे, इस e की पावर x का डेरिवेटिव दोबारा लोगे तो e की पावर x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव दोबारा लोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपके पास क्या था, इसका आंसर ऑप्शन आपके पास ये था, डेरिवेटिव ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस रिप्रेजेंट सरकमफेरेंस, सॉरी सरकमफेरेंस स्क्वायर। थ्योरी के सवाल आते हैं, इफ वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, देन वी डिफरेंशिएट इज यूजिंग बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ वाई अगर ई के बराबर है, वाई अगर ई के बराबर है तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, तो जीरो होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास मौजूद है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स वन वाई वन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। y is equals to mx plus 1 is tangent to the hyperbola, parabola y square is equals to 4x, 4x, तो इसमें m की value क्या निकलेगी, m की value 1 निकलेगी, formula कौन सा use होगा, c is equals to a upon m वाला use होगा, c is equals to a upon m वाला formula use होगा, और ये m की value यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, 1 निकल कर आ जाएगी, ये c is equals to 1 upon m, ये कहलाती है condition of tangency of a parabola। ठीक है बेटा, इस वीडियो की मदद से आप लोग इंशाल्लाह इसके सारे सवाल कर सकते हो। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।